एक फॉर्मल सा फंक्शन है, इसका मकसद आप लोगों को बुलाना और आपकी बात भी सुनना था। नहीं, ड्यूटी पे गया हुआ शख्स और जब वापस उसकी जगह कोई वो चीज़ नहीं लेके आता बल्कि बच्चों के लिए उसकी डेड बॉडी आ जाती है, तो वो क्या वहाँ पे क्यामत गुजरती होगी। मुझे अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेजेस शुरू हुए लोगों के, जिनने बताया कि यहाँ 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 ये हमारी कमी रह गई, कोताही रह गई, या यहाँ यहाँ हमने अच्छा काम किया। तो लाजिम आता है एक चीज़ परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन उसको अगर तवज्जो देते हैं तो उसे बेहतरी हो जाती है। जिस तरह मैंने कहा तकरीबन 40 और अब घर ये इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड सैयद आदिल हुसैन पंजाब पुलिस में थे, तो पुलिस मुकाबले में वो शहीद हो गए और मैं आज आईजी साहब के ऑफिस में आई हुई थी। हमारे जो भी मसले थे, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स थी, वो सब कुछ इन्होंने मेरा सॉल्व किया और मुझे जॉब पे भी इन्होंने रखा। शहीद की विवाह और आईजी साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावर किया है और उन्होंने हमारे हमें घर भी दिया है और बेटे को नौकरी का भी हुक्म दिया है। मेरे शोहर जो है ना, वो मांगा मंडी पुलिस मुकाबला में शहीद हुए थे, तो आज ये महकमा पुलिस वालों ने हमें घर दिया है और बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी आईजी साहब की और सारे डिपार्टमेंट के। नाम क्या आपका? इकरार। तो इकरार ने कहा मैं पुलिस में आना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला बेटा आपके वालिद ने एक बहुत बड़ा नाम छोड़ा है, उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है और आप भी आएंगे इस महकमे में और उसमें लोगों की खिदमत करेंगे। ये जो है आप लोगों की फैमिली की कुर्बानियाँ और उसका जो है उसका कोई इजाला नहीं, कंपनसेशन नहीं, लेकिन जो आप लोगों ने इसमें सब्र किया उसके मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला खैरियत रखे, हिम्मत से काम करना है, जो नुकसान हो गया उसका इजाला करना है और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी नहीं गुजारनी, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है इंशाल्लाह। ठीक है जी।